ये जो ये सिंगल सिंगल डोर डोर है, में 274 लीटर्स का रेफ्रिजरेटर है आपका, वर्लपूल कंपनी ऑटो का, डिफ्रॉस्ट। ऑटो डिफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर जो सिंगल डोर में ही अब आना शुरू हुई है। पहले डबल डोर्स में आती थी कि इसमें आइस जम जाती थी। अच्छा, ये वो वाला मॉडल है, समझ गई, जो अब सबसे बड़ा है जिसको बहुत। सो रिसेंटली मैंने 6-7 शोरूम्स पर विजिट किया रेफ्रिजरेटर, कूलर, एसी एंड अदर अप्लायंसेस का रिव्यूज लेने के लिए, क्योंकि समर का सीजन चल रहा है। मैं चाहती हूँ आप बेस्ट प्रोडक्ट ले पाएं। एंड जो कॉन्वर्सेशन शोरूम्स की हैं वो मैंने थोड़े बहुत एडिट करके डाली हैं, अपना टच इसमें नहीं डाला है, क्योंकि हर शोरूम पर मुझे रेफ्रिजरेटर की डिजाइन की फीचर एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिली, वही सब सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये वाला जो पर्टिकुलर वीडियो है ये मुरली गैलरी बरेली से लिया गया है, तो आप इसमें रेफ्रिजरेटर्स के बारे में ही देखें। अच्छा, तो ये जो सिंगल डोर में 74 लीटर्स का रेफ्रिजरेटर है आपका, वर्लपूल कंपनी का, ऑटो डिफ्रॉस्ट, ऑटो डिफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर जो सिंगल डोर में ही अब आना शुरू हुई है। पहले डबल डोर्स में आती थी कि इसमें आइस जम जाती थी। अच्छा, ये वो वाला मॉडल है, समझ गई, जो सबसे बड़ा है जिसको बहुत हाइप किया जाता है, कि ये वर्लपूल है ना। हाँ जी, वर्लपूल। ये तो मैं समझ गई, लोग जो है आज की डेट में अवेयर हो गए कि इतना बड़ा रैप आता है, पहले उनको पता नहीं होता। 274 लीटर ये व्हर्लपूल में ही तो आ रहा है सिर्फ। पहले 310 होता था, फिर 280 हुआ, अब 274 लीटर। हाँ, 280 व्हर्लपूल जब मैं लास्ट ईयर आई थी। हाँ, नया जो है 274 लीटर में हो गया, गवर्नमेंट की जो स्टार रेटिंग 2022 में बदली है, जब से नेट वॉल्यूम लिखना शुरू कर दिया। पहले आता था ये फ्रॉस्ट फ्री है, इसमें आइस जमेगी ही नहीं है। ये आपका तो बटन कहाँ है मैनुअल रिफ्रॉस्टिंग के लिए? देखिए, फ्रॉस्ट फ्री इज अ डिफरेंट पार्ट, ऑटो डिफ्रॉस्ट इज अ डिफरेंट पार्ट। तो आप मुझे बताओ, फ्रॉस्ट फ्री जो होते हैं वो ये वाले होते हैं जिसमें आपकी कूलिंग टावर से होती है, टावर फैन होता है। अच्छा, ये डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, इसमें ऑटो डिफ्रॉस्ट सिस्टम दे रही है। इसके क्या होता था ना, आपके रेफ्रिजरेटर में पहले पूरे में आइस जम जाती थी। हाँ, है ना, वो आइस जो है अब नहीं जमेगी। क्या इंटेलीफ्रॉस्ट सिस्टम दे दिया है इसमें, वो अपने आप सेंस करेगा और देखिए बर्फ ज्यादा हुई तो ऑटोमेटिकली वो डिफ्रॉस्ट फंक्शन को ऑन कर देगा, और जब डिफ्रॉस्ट फंक्शन ऑन हो जाएगा तो बर्फ को मेल्ट कर देगा। यहाँ से पानी में इकट्ठा होगा, पीछे पानी जाएगा, ऊपर कंप्रेशर के ऊपर एक बकेट लगी होती है, उसके अंदर पानी जाता है, वहाँ से इवेपोरेट हो जाता है। फास्ट आइस, क्विक चिल, एवरीडे पावर सेवर, 4-in-1 मोड, स्लैक मोड, समझ गए, ये सारे फ्रीजर के लिए मोड है। नहीं, फ्रीजर के लिए भी, हाँ, और फ्रिज के लिए भी। अगर आपको जैसे इसमें फास्ट आइस चाहिए तो ये वाला फंक्शन हम यूज करते हैं। एवरीडे मोड के लिए नीचे भी आ जाता है, सेलेक्ट मोड से आप आ जाएंगे। 4-in-1 मोड दिए गए इसकी एडजस्टमेंट कूलिंग करने के लिए। जो पहले जनरली बटन आता था, नॉब आती थी घुमाने वाली, वो सिस्टम खत्म करके इसको एलिगेंट लुक में दे दिया। और ये व्हर्लपूल में सिंगल डोर में है भी तो सबसे बड़ा ना, सबसे बड़ा, किसी ब्रांड में नहीं आता। अच्छा, इसकी बिल्ड क्वालिटी जैसे कुछ होता है इसका? बिल्ड तो व्हर्लपूल की बेस्ट है, बिकॉज खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, और सबसे कामयाब रेफ्रिजरेटर है व्हर्लपूल का ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। मैंने हमेशा व्हर्लपूल के ही लिए हैं। इसकी तो ये काफ़ी बड़ी है। मेरो इसका क्या प्राइस होगा? ये आप मंथली अप्रॉक्स 24,000 के अराउंड डिस्काउंटेड आएगा वैसे। और दूसरा, आज की डेट में इसकी यूज़ देखिए आप, ये पूरा फ्रिज कितना बड़ा है, एज अ फ्रिज देखिए। हाँ, ये 274 लीटर का सिंगल डोर है, और इसी में आप डबल डोर जाएंगे तो वो 29-30 के अराउंड पड़ेगा, आफ्टर ऑल डिस्काउंट 35-36,000 में आता है, वो कॉस्टली हो जाता है। जैसे ये फ्रिज है, ये वाला फ्रिज है 236 लीटर्स में, ये 274 लीटर्स में, दैट मीन 30 लीटर ज़्यादा बड़ा है। डबल डोर आपको मैं दे दूंगा उससे बड़े, लेकिन कॉस्टिंग तो बढ़ती जाएगी। इसका क्या कॉस्ट है 236 डबल डोर का? 236 डबल डोर, ये 34900 MRP है, और ये आपको डिस्काउंट करके 27,900 के अराउंड आता है। और इसका क्या फिर प्राइस आएगा? ये 30,900 का, इसके आफ्टर ऑल डिस्काउंट 24,500 के अराउंड आता है। थोड़ा बहुत फर्क है, फिर साइज भी बड़ा है, फिर ये डिजाइनर हो गया। इसी में हम अगर आपको स्टील फिनिश में देंगे तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी, 1,000 रुपीज़ कम हो जाएगा, जो स्टील फिनिश इस तरीके की। इसी में स्टील फिनिश? हाँ जी। कहाँ है वो? वो लगा नहीं, इसमें मिल जाएगा। इसमें आपको कलर वाइज सब में कलर्स आते हैं ना, इसमें आपको मैरून भी मिल जाएगा, ब्लू भी है, स्टील फिनिश भी आता है। अच्छा, तो सिंगल डोर में मुझे ऐसा लगता है ये डबल डोर से स्पेस ज़्यादा है सामान रखने के लिए, और फ्रीज़र थोड़ा सा कम है। जनरली फ्रीज़र की एक लिमिटेड रिक्वायरमेंट होती है हर फैमिली के अंदर। हाँ, वो मुझे पता है, तो क्योंकि मुझे नहीं लगता, फ्रिज ही चाहते हैं कि बड़ा फ्रिज ही चाहते हैं, क्योंकि डबल डोर में मुझे नहीं लगता उतने का कोई क्या ही करेगा। दैट्स व्हाई ये कन्वर्टेबल फ्रिज आना शुरू हुए हैं। लोग पहले कहते थे यार फ्रीजर मेरा काम ही नहीं आ रहा डबल डोर,
इसलिए फ्रिज जो आ गया वो पूरा फ्रिज बन जाएगा। दिस फ्रिज, इसको भी आप फ्रिज बना लो, फ्रीजर को तो पूरा आपको फ्रिज मिल जाएगा इसमें। इसलिए ये चीज़ें अब आने लगी। पहले इस तरीके के नॉर्मल फ्रिजेस आते थे, फ्रीजर अलग होता था, फ्रिज अलग होता था, कन्वर्टेबल सिस्टम ही नहीं होता था। तो ये बड़ा रेफ्रिजरेटर सिंगल डोर में जहाँ पे लाइट की बहुत ज्यादा कमी है, अच्छा। जहाँ पे लाइट आप समझती है 8 से 10 घंटे आती है, वो यहाँ सबसे ज्यादा कामयाब यही रखते हैं। गाँव में या रिमोट जो एरियाज हैं उनमें अगर आपको दिक्कत आनी है, आपको बड़ा फ्रिज लगाने से कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये कूलिंग रखता है मेंटेन 8-10 घंटे तक ये भी, और इन्वर्टर ऑपरेटेड है। आज की डेट में आपने 2 घंटे चला दिए, 4 घंटे कूलिंग मेंटेन हो गई। ये सिस्टम है, ये मेरा 5 स्टार में आ गया सैमसंग का, 215 लीटर का रहता है। इसके अंदर इन्होंने हैंडल जो है वो आइलैंड हैंडल बड़ा दे दिया है। एक मिनट, थोड़ा मॉडल नंबर दे दूँ, 215 लीटर 133 यूनिट्स पर ईयर सैमसंग, और ये 5 स्टार। ओके, अच्छा ये हैंडल, ये इसका हैंडल जो है ना वो बड़े हैंडल में है, ये बड़ा फ्रिज है, 215 लीटर में, 215 सैमसंग डिजिटल कंप्रेसर के साथ। इसका स्पेस हाँ बड़ा है, अच्छा इसमें वही बटन के थ्रू डिफ्रॉस्टिंग करनी होगी। हाँ, ये आपको इस बटन के थ्रू डिफ्रॉस्टिंग करनी है। टफन ग्लास में है सारे, पेस्टेड है, जो टेप लगा हुआ है ना निकाल। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है, कोई नहीं, इस तरीके से ये आ जाता है। ये बस, ये इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सबसे कम है। अच्छा, लोग कहते हैं जैसे आप कहते हैं 5 स्टार चाहिए, तो 5 स्टार में इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स की वजह से ये सबसे कम है। यहाँ इसकी कंजम्पशन पर ईयर 133 यूनिट्स है। हाँ, वैसे अभी थोड़ा लो प्राइस में लो पूल का ही लिया, तो जनरली मैंने देखा ये चीज़ ना बहुत जल्दी टूट कर ख़त्म हो जाती है। कोई दिक्कत ऐसे अगर आ जाती है तो आपको स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं। वारंटी के अंदर नहीं, एक टूट फूट ब्रेकेज किसी की भी नहीं होती। प्लास्टिक पार्ट्स की कोई भी वारंटी कंपनी जो है वो क्लेम नहीं करती है। आपने चेक किया, हमने अभी यहाँ दिखाया, आपको घर पे भी दिखा दिया, आप चेक कर लीजिए, वो कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर आप कहते हो 6 महीने बाद ब्रेकेज हो गई, तो ब्रेकेज कभी भी काउंट नहीं होती किसी भी चीज में। तो स्पेयर पार्ट्स कहाँ से मिल सकते हैं? सर्विस सेंटर, व्यापू का सर्विस सेंटर, का सर्विस सेंटर वहाँ से आप ले लीजिए, बरेली के अंदर अवेलेबल है। ओके ठीक है। वैसे जनरली 5 स्टार के लिए लोग बोलते हैं ये 1 स्टार है, 1 स्टार लेते हैं, सब चल रहे हैं, तो क्या कहकर आप कस्टमर को बोलते हैं? कस्टमर को क्या है कि अब उनकी पसंद है, एज पर बजट 5 स्टार जो होता है वो महंगा होता है, उस हिसाब से कॉस्टिंग भी बढ़ती जाती है। अब मेरा बजट है 20,000 का, तो 20,000 में तो 1 स्टार ही आ रहा है। हाँ, साइज भी मैटर करता है, फंक्शनैलिटी भी मैटर करती है। हमारे पास 5 स्टार मिले, डबल डोर में आपको मैक्सिमम 3 स्टार ही आ रहा है। अच्छा, ये डबल डोर है, व्हर्लपूल का 2024 मॉडल है जी, 2024 का मॉडल है जी, बिल्कुल। ये आपका 212 लीटर का फ्रिज है, डबल डोर में हो ही गया आपका, और डिजाइनर में हो जाता है फिर डीप फ्रीज टेक्नोलॉजी के ये साथ। डीप फ्रीज टेक्नोलॉजी मतलब हर ब्रांड अपनी अपनी अलग टेक्नोलॉजी बताता है, डीप फ्रीज का क्या मतलब? डीप फ्रीज का मतलब हो जाता है, जनरली फ्रीजर तो होते हैं, डीप फ्रीज का मतलब हो गया आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आइसक्रीम जो होती है वो जमी रहे, जो आप प्रोफेशनली यूज करते हैं, मतलब बाहर से जो लेना। हाँ, वही वही, अगर मैं मार्केट से लेकर आई और यहाँ रख दिया तो वो, और घर पर भी जमाया तो टाइट। बिल्कुल, अगर आपने इसको ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे मेरा डीप फ्रीज का, यहाँ पे आपने लगा दिया तो डीप फ्रीज पे आपका ये फिक्स रहेगा। ये वाला डीप फ्रीज है ना, ये लिखा है आपका, हमने इसको इस समय ऑप्शन कर दिया डीप फ्रीज पे, तो इसके अंदर जो आइसक्रीम है वो आपकी एज इट इज बनी रहेगी, जो जनरली मेल्ट हो जाती है, मेल्ट नहीं होगी आपके। जब मुझे आइसक्रीम लाना है रख के, तो मैं इसको डीप फ्रीज पे कर दूं? हाँ जी। और ये मिनी फ्रिज क्या है? ये मिनिमम है, फ्रीजर की मिनिमम कूलिंग है, MIN डॉट लगा है उसके आगे, मिनिमम कूलिंग। आपको कम फ्रीजर में चिलिंग जो है एक लिमिट में चाहिए। ओके ओके, अच्छा। वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए लग के आता है कि आपका उसमें इजीली जो है सिस्टम, ये आपका चिलर ट्रे कहलाती है। आपने इसमें मिल्क वगैरह, ये टफन ग्लास, हाँ टफन ग्लास है, ये 150 किलो तक का लोड बेयर कर सकता है। और ये मॉइस्चर कंट्रोल है क्या? हाँ, मॉइस्चर कंट्रोल है जी, मॉइस्चर कंट्रोल होता है, और ये नीचे तक सब आपके टफन ग्लास में ही दिए हुए हैं। इसमें 2 सवा 2 लीटर वाली बॉटल वगैरह सब बड़ी से बड़ी बॉटल आ जाती है। आपको की कंपनी जो क्लेम करती है वो आपकी 25 साल की वीडी लाइफ है, मतलब कंप्रेशर जो है 25 साल तक खराब होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं।
ये टेस्टेड है। अच्छा 25 इयर्स टेस्टेड। कहां बाहर लेवल पर लिखा होगा? बिल्कुल लिखा होगा, देखो ये देखो ये लिखा 25 इयर्स ऑफ रिलायबिलिटी टेस्टेड बाय बीडी। बीडी जो है कंपनी है गवर्नमेंट ऑफिस है, उसने इसको ये टेस्ट कराया कि 25 साल तक अगर हमारा कंप्रेसर जो है वर्किंग कर सकता है, लाइफ जो है उसकी 25 साल। ठीक है। और हाँ ये जैसे लेवल पीरियड 2024 इसलिए लिखते हैं कि ये 2024 का माना जाए, ये जो वैलिडिटी है दिस इज दी वैलिडिटी 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक। बीई भारत इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी बोर्ड जो होता है उसने इनको ये लेबल दिया हुआ है कि आपका ये फ्रिज की जो स्टार रेटिंग है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, वो आपका 2024 तक के लिए वैलिड है। ओ, तो ये होता है लेवल पीरियड का मतलब। इतने यूनिट्स की इन्होंने टेस्ट किया हुआ है कि 263 यूनिट्स इन अ ईयर ये आपका कंज्यूम करेगा। अच्छा, यानी ये दिसंबर 2024 तक टू स्टार वैलिड है 100%। अगर ये जनवरी 2025 हो जाता है तो स्टार रेटिंग बदल जाती है। स्टार रेटिंग होगी उसके बाद ही इसको आगे कंटिन्यू करते हैं या बदलते हैं, ये बीईई के हाथों में होता है। तब तो फिर मॉडल नंबर भी चेंज हो जाता है, उसी टाइम पता चलेगा ना, जब नया टाइम आएगा तो कंपनी से जैसी रिक्वेस्ट जाएगी। वो वैलिडिटी दी हुई है इलेक्ट्रिक स्टार रेटिंग की गवर्नमेंट लेवल पीरियड का। स्टार रेटिंग से मतलब है? हाँ जी, मेन सारा स्टार रेटिंग से मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का। अच्छा, जैसे कोई कस्टमर आते हैं तो वो लेवल पीरियड में देखते होंगे कि हर कोई चाहता है मुझे नया मॉडल चाहिए, तो वो जब देखते होंगे कि मॉडल ये तो इसका 2023 है तो मैं इसे क्यों लूँ? नहीं, बहुत से लोग हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लेवल तो वही है ना, 24 तक की वैलिडिटी है, इसलिए कोई फर्क नहीं है। अगर ये भी 24 का है, अब ये 24 का है तो इसमें भी लेवल तो वही है ना आपका सेम, उसमें भी सेम है। अब 23 और 24 में क्या, वो कुछ ये माल जो है जैसे हमारे पास फरवरी में आया तो उस समय प्रोडक्शन नहीं हुआ था, ये मेरे पास मार्च में इसका प्रोडक्शन हो गया। तो ये सैमसंग का है? ये सैमसंग का है, ये वर्लपूल का है, ये भी वर्लपूल का है, फिर ये लॉयड हैवल्स का आ जाएगा। अच्छा हाँ, इसका मॉडल ईयर 2024 है, लेवल पीरियड तभी भी लेवल पीरियड सेम है ना हमारी। अगर ये चीज़ ऐसी है कि रखे रखे ख़राब तो होती नहीं है, अब कंपनी प्रोडक्शन कर लेती है उसके बाद हल्के हल्के मटेरियल मार्केट में जाता रहता है। तो ये सिस्टम होता है, कोई चीज़ अभी अवेलेबल रह गई है, कोई चीज़ नहीं रह गई, ये चीज़ किसी का आया है कंपनी में, कोई अपना दिसंबर में प्रोडक्शन कर लेते हैं तो उसके बाद हल्के हल्के निकलता रहता है, क्योंकि जनवरी जो है सैमसंग बंद रखता है प्रोडक्शन अपना, फरवरी में उनके प्रोडक्शन प्लांट्स चले हैं तो 1.5-2 महीना तो बनाने में लग जाता है। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, पहले होते थे जब इम्पोर्टेड रेफ्रिजरेटर्स आते थे आज से करीबन 10 साल पहले, अब जब से ये रेफ्रिजरेटर्स आना शुरू हुए हैं इंडियन मेक है सर, ये सब इंडियन मेक है, यहीं बन रहे हैं, यहीं पे प्लांट है इसका। जैसे वर्लपूल की बात करें एट प्रेजेंट, ये पुणे में प्लांट है, अपनी मैनुफैक्चरिंग करें इंडियन कंडीशन के हिसाब से, ये लोग मैनुफैक्चर कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पे भाई लाइट कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है, तो 8-10 घंटे तक कम से कम ये कूलिंग मेंटेन करते हैं। अच्छा हाँ, 24 घंटे में अगर 8-10 घंटे मेंटेन कर रहे हैं तो दिस इज वेल मोर देन एनफ। थोड़ा ओपन कीजिए। अच्छा, ये आइस ये सेपरेट दे देते हैं आज की डेट में, आइस बॉक्स है, सभी में आपको ज्यादातर अलग से मिलेगा। ये ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर कहलाता है मेरा, ये शीशे वाला है इसका, ये टफ एंड ग्लास। अच्छा, ये ग्लास डोर कहलाता है, देखने में सुंदर लगेगा। और ये मतलब ये लुक जो है इसका। हाँ हाँ हाँ, ओके, ये मूवेबल है और ये चीज। हाँ, ये इसमें ऐसे इन्होंने आपने केक वगैरह कभी रखा हुआ है, आप चाहते हो कि यार मैं केक ऐसे ना उठाऊं गिर गिरा पड़ेगा, इसका पूरा ट्रे निकाला केक ले गए आपने, उसको यूज कर दिया अपने हिसाब से, इजी रैक का मतलब होता है, नाम दे दिया, आप इसको निकाल सकते हो लगा सकते हो क्लीन करने के लिए। अच्छा हाँ, ये आपके अभी टेपिंग लगी हुई है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से निकल जाएगा आपका, आप निकाल लीजिए क्लीन कर लीजिए, ये सिस्टम है। लॉयड हैवल्स का ब्रांड हो गया फिर आपका। अच्छा, लॉयड हैवल्स का ब्रांड है आपको तो मेंशन है इसको। ओके, कितने बिकते हैं लॉयड के? कुछ बिकता है, जनरली लोग वही एलजी सैमसंग व्हर्लपूल के पीछे भागते हैं, व्हर्लपूल लॉयड वोल्टास। अच्छा, ये जो ऊपर अच्छे से ये ट्विस्ट करने के लिए है, तो ये सेपरेट हो जाए। अच्छा, जैसे आपने इसमें भी देखा यहाँ रखा हुआ होता है, सेपरेट हो जाता है,
इसको आप हटा सकते हो। अच्छा, ये अलग से आ रहे हैं कि आपको इसमें जैसे इसमें है, इसमें स्पेस आपकी जो है वो नहीं घेर रहा है। अगर आपने इसको हटा दिया, फ्रीजर मुझे चाहिए साहब, मैं इसको फुल करना है पार्टी मेरे यहाँ, मुझे सामान लग रहा है, तो इसको हटा के अलग रख दीजिए आप। ये तो काफी सुंदर लग रहा है देखने में, लॉयड का अच्छा फ्रिज है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग सेंट की कैलॉग में इनका खुद का अपना प्लांट है, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद बनाते हैं, हैवेल्स का भरोसा है, क्वालिटी बहुत फर्स्ट क्लास है। ये एयर वेंट्स है। अच्छा, और फ्रीजर में नहीं है क्या ये? सभी में होते हैं, किसी में दिख रहा होता है, किसी में अलग तरीके से होता है। ओके, लो मिड हाई, इसमें तीन मॉइस्चर कंट्रोल का है, लो मिड हाई, किसी ने जिसमें लिख दिया उन्होंने मेंशन कर दिया, किसी ने उसमें अलग तरीके से दे दिया, हर एक का अपना मेथोडोलॉजी होती है, पेटेंटेड सिस्टम होता है, इस वजह से जिस तरीके से बनाएंगे उस तरीके से। अब लॉयड में आपको जो है ये भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले रैप्स हैं सारे, आप उसको अपने सिंगल बैटरी इन्वर्टर अगर आता है उससे भी चला सकते हो आप। ये कन्वर्टेबल फ्रिजेज आते हैं, फ्रीजर को भी फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो आप। के यहाँ पर्सनली कौन सा फ्रीजर कन्वर्टेबल रखते हो आप? ये है तो ये आपके यही वाला है जी, दिखा दीजिए कन्वर्टेबल फ्रीजर। दिस इज कॉल्ड कन्वर्टेबल फ्रीजर। अगर हमें सपोज कर लीजिए जाड़ों में तो हमें फ्रीजर में आइस रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसका काम कर सकते हैं, तो ये जो है आपका एज अ फ्रिज काम कर जाएगा। हमने इसको पुश बटन चेंज किया और ये एज अ फ्रिज चेंज हो गया। क्या प्राइस होगा इसका? इसका प्राइस है आपका वैसे MRP ऑन की प्रोडक्ट है 34,900 एंड डिस्काउंटेड आप मंथ के लिए 27,900 में आ चुका है। इसमें थोड़ी अच्छा ऊपर रखने के लिए नीचे थोड़ा सा डिजाइन, 2.25 लीटर वाली बॉटल आ गई, नीचे आपने हाफ लीटर वाली रखी, ये एक्शंस दिए, आप इसमें कुछ भी रख सकते हो बाकी एज पर योर यूज, आपको जिसके जैसी यूज से हो। कन्वर्टेबल फ्रिज तो काफी कन्वर्टेबल हो गया ना ये आपका, यहाँ पे आपने इसको 3 सेकंड्स के लिए प्रेस किया तो इसका जो टेम्परेचर माइनस में जाना है वो माइनस में ना जाके वो प्लस में हो जाए, उसे कन्वर्ट हो गया, आप पूरा एज अ फ्रिज यूज कर लो। न्यू फ्रेश एडवांटेजेस मतलब इसमें तो बहुत कुछ मार्केटिंग के लिए दिया हुआ है। हाँ जी, ये न्यू फ्रेश एडवांटेजेस ये सारे हैं, हनी कॉम क्रिस्पर, अच्छा वो तो रहता ही है, एडोर मिक्सिंग वो भी डबल डोर में, डबल डोर में ऑडोर जो है एक दूसरे मिक्स ना हो जाए तक वो तो होती ही है। ये आपको मतलब ये है कि पता होना उसमें लिखा हुआ है पैड, ये कौन सा फीचर? ये सिस्टम कूल पैड, ये 12 घंटे तक कूलिंग को रिटेन करता है, सेव करता है, जिससे कि इसके ऊपर अगर कोई लाइट आने के बाद अगर कुछ भी इसके ऊपर सामान रखा हुआ है तो ये एक तरीके से फ्रीज रहता है, तो इसके अंदर कूलिंग जेल भरा हुआ होता है, और अगर इसके ऊपर आइस रख दिया तो हाँ वो भी मेंटेन रहेगा। इसमें आइस ट्रे है कहाँ? आइस ट्रे इसमें यहाँ पे नहीं रखी हुई है, ये जो मैं आपको कहता हूँ ना सेपरेट, ये आपने बॉक्स देख रहा हूँ नीचे, ये सेपरेट है कि हमने अगर इसको फिक्स कर देना है तो फिर आपको इसके फ्रीजर का यूज नहीं हो पाएगा, इसलिए अलग से देना शुरू कर दिया है कंपनी ने। वोल्टास में 10 ईयर, 10 ईयर्स तो है, अच्छा 2 ईयर्स वोल्टास वीगो का लेता है क्या कोई? लेते हैं क्या रेफ्रिजरेटर वोल्टास के? अगर मार्केट में आया बिकेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, रोज ही बेचते हैं इसका ही का प्रोडक्ट, इसका भरोसा ही बहुत है। ये भी है, ये पेस्टेड है, अच्छा इसमें भी बटन पुश कर सकते हैं। हाँ, वो ही फ्रॉस्ट के लिए बटन है। कुछ जो प्रोडक्ट्स ये आपके ऑफलाइन ही बिकते हैं, ऑनलाइन नहीं बिकते हैं, ठीक, तो मैं किसी पर्टिकुलर फ्रिज के बारे में बताऊंगी तो आपके शोरूम पर बोल दूंगी ऑफलाइन ले लो, अगर बरेली के आसपास कोई रहता होगा तो, आप अगर कोई कमी भी है फ्रिज में अगर बताएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कमी फ्रिज में जनरली किस तरीके की कोई कमी ऐसी फ्रिज में आती है? सब अपनी यूएसपी देते हैं, ये स्टैंडर्ड नहीं, नहीं, अच्छा अच्छा तो सभी बोलते हैं कुछ कमी। देखिए पहले कोई फ्रिज ऐसे होते थे जिसमें कमी होती थी कि इम्पोर्टेड रेफ्रिजरेटर्स, अब वो ख़त्म हो गई बात है, अब सारे फ्रिजेस में कंपनी ने इतना रिफ्रेश कर दिया, इतनी R&Ds कर दी हैं अपनी कि वो कमी छोड़ते ही नहीं है, डे बाई डे और रिफाइन होता जा रहा है कुछ। पहले होता था कि उस समय कुछ किसी को पता ही नहीं था एक ही तरीके का फ्रिज आ रहा है, कमियाँ कोई नहीं है फ्रिज के अंदर, फ्रिज तो अब एक नेसेसिटी हो गया, इसके अंदर कमी छोड़ ही नहीं सकते। 4 डोर है ना ये? जी 4 डोर। इसका क्या प्राइस होता होगा? ये MRP ऑफ द प्रोडक्ट इज 1,60,000।
ये फुल्ली इम्पोर्टेड होते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। वर्ल्डपूल 100% जितने भी साइड बाई साइड फोर डोर रेफ्रिजरेटर्स होते हैं ये इम्पोर्ट होते हैं। अच्छा। एंड ये इनका खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग, जैसे थाईलैंड से आता है, तो थाईलैंड में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ से ये ऑल ओवर एशिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये वर्लपूल का फोर डोर हो गया 160,000। तो आपके पास ही किस टाइम इम्पोर्ट हुआ था अभी? मैम ये तो कंपनी के पास आता, फिर कंपनी को हम ऑर्डर लगाते तब कंपनी हमें भेजती है। तो इसका कोई ये नहीं है ना, ये 2024 या 2023 का सिस्टम है? नहीं, ये आपका ये है, ये जो लगता है ये स्टेटस सिंबल के लिए भी लगता है, परफॉर्मेंस के लिए तो लगता ही लगता है, क्योंकि आजकल अलमारी की तरह फ्रिज इस्तेमाल हो रहा है, लोग मसाले भी रख रहे हैं, ड्राई फ्रूट भी रख रहे हैं, तो हमें बड़ा फ्रिज चाहिए ही चाहिए। चार लोगों की फैमिली के लिए भी लोग ले रहे हैं, आठ लोगों की फैमिली के लिए भी लोग ले रहे हैं। अब ये रिक्वायरमेंट आपकी है कि आप कैसे करते हैं। इसमें फ्रिज कहाँ, वो सॉरी आइस कहाँ से? ये पूरा फ्रिज, ये पूरा फ्रिज है, ये पूरा फ्रीजर है, एंड आप इसमें चाहो तो ये पोर्शन आप कन्वर्ट करके फ्रीजर से फ्रिज में बदल सकते हो। अभी तो आपने सिर्फ एक शोरूम की रेफ्रिजरेटर मॉडल्स देखे हैं, मैंने 6-7 शोरूम्स कवर किए हैं जिसमें रेफ्रिजरेटर के साथ साथ कूलर्स और अदर अप्लायंसेस के भी मॉडल्स और डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी। तो ये वाला वीडियो जैसे कि मैंने बोला मुरली गैरली बरेली से लिया गया था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।